हेलो गाइस, मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं माय स्मार्ट अमेजिंग। तो आज हम आपको बताएंगे आप पेटीएम डेबिट कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हो और इसका लाभ उठा सकते हो। अगर अभी तक आपने पेटीएम की केवाईसी कंप्लीट नहीं की है तो आपके पेटीएम की केवाईसी कंप्लीट करके अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हो और पेटीएम में सेविंग अकाउंट खोलने के बाद ये पेटीएम डेबिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। ये जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको पेटीएम की एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। फिर आप देख सकते हो नीचे की तरफ बैंक का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर लेना होगा। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिखाएगा और हम इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। चलिए हम इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो डेबिट एंड एटीएम कार्ड का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर रिक्वेस्ट कार्ड का ऑप्शन आएगा, फिर हम इस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो इसे अप्लाई करने का 120 रुपये चार्ज है, 120। तो प्रोसीड टू पे पे हम जो है क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। कंप्लीट योर पेमेंट, देखिए प्रोसेस हो रहा है। यूज़ पेटीएम, आप देख सकते हो अगर आपका पेटीएम में पहले से बैलेंस है तो आप पे नाउ पे क्लिक करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप किसी भी ऑनलाइन मेथड का यूज़ करके, जैसे नीचे दिया हुआ है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, भीम, तो आप इसमें से किसी का भी यूज़ करके पेमेंट कर सकते हो। मेरे इसमें पहले से बैलेंस ऐड है तो पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर देता हूँ। देखिए रुपये 120 डेबिट एंड एटीएम कार्ड ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुल, तो मेरा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और चलिए हम इसको बैक करेंगे और बैक करके देखेंगे इसका स्टेटस। देख सकते हो कार्ड ऑर्डर स्टेटस, ये देख सकते हो आप, हमने 6 मार्च को इसे ऑर्डर किया है और 18 मार्च तक ये हमारे पास पहुंच जाएगा। और इस पेटीएम डेबिट कार्ड से आप किसी बैंक की एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही टेक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर घंटे के निशान आकर उस पर क्लिक कर दें, इससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है।